नमस्कार दोस्तों, अम्बे सर से चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। और आज की जो हमारी वीडियो है वो डाटा इंडिका से एटीएम फ्रेंचाइजी के लिए है, जिसमें कई लोग काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं कि इसमें बिजनेस का क्या लॉस है, क्या जो है प्रॉफिट कर सकते हैं आप, कितना पैसा फंसा सकते हैं और बिजनेस के मुकाबले में ये कैसा वीडियो है। तो मैं सिंपल सा एक छोटा सा वीडियो बनाना चाहूँगा जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि कितना का इन्वेस्टमेंट है, कितने का प्लान है और क्या क्या आपको कैश लोडिंग करना है और क्या कंपनी देती है, क्या फ्रेंचाइजी की जिम्मेदारी होती है। तो उन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। टाटा इंडिका से एटीएम के बारे में, हम मास्टर फ्रेंचाइजी हैं उनके और हमारा वेंडर कोड आपको पता ही होगा, चैनल पार्टनर का वेंडर कोड टाटा की तरफ से रजिस्टर्ड है हम। तो हमारा काम ही है कि हम साइडें जो है कलेक्ट करके टाटा तक पहुँचाएँ आपको किसी तरीके से, और आप एटीएम का बिजनेस करके लाभ उठा सके। हमारा मोबाइल नंबर यही है, आप हमें कॉल कर सकते हैं कभी भी। और कृपया चैनल को जो है लाइक और सब्सक्राइब जरूर किया करें, क्योंकि आप जब आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो मेरे चैनल पे बहुत ही डाउन जो है रिव्यू जाता है। मैं चाहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब बात करते हैं कि सिक्योरिटी मनी जो टाटा एंड डिकैश की रहती है उसमें 1,10,000 रुपये रहता है सिक्योरिटी मनी, और कैश लोडिंग का अमाउंट जो होता है वो 3 लाख रुपये होता है। कमीशन आपको 8 रुपये और 2 रुपये है पर ट्रांजेक्शन, आपको 8 रुपये मिलने हैं, 2 रुपये नॉन कैश पे जैसे बैलेंस इंक्वायरी, मिनी स्टेटमेंट, पिन चेंज। दूसरी चीज़ है कंपनी आपको क्या क्या देगी इस 1,10,000 के पैसे पे। तो कंपनी आपको एक एटीएम मशीन देती है, एडमिन कार्ड देती है, ब्रांडिंग मटेरियल देती है। ब्रांडिंग में सामने में जैसे कि ये सब आप सारे पोस्टर देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो है ब्रांडिंग मटेरियल में ही आती हैं। जैसे ये पोस्टर हुआ आपका, और अंदर में भी कुछ बोर्ड्स वगैरह लगाते हैं, इस तरीके का 2 स्टिकर्स होता है, और इसी तरीके का जस्ट इसके पीछे एक आरबीआई की गाइडलाइन का एक एग्रीमेंट का भी स्टिकर होता है, वो देती है कंपनी। और नेटवर्किंग सिस्टम में वीसेट लगा करके देगी आपके साइट पे, हो सकता है, या वीपीएन लगा करके देगी। नेटवर्किंग सिस्टम यही होता है कि कंपनी का जो सर्वर होता है वो अपना पर्सनल एक होता है, फ्री सर्विस जो भी होता है, मतलब मशीन से कुछ भी रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो फ्री में रिपेयर हो जाएगा, आपको 1 रुपया नहीं देने हैं उसके पैसे अपने जेब से। तो ये चीज़ें देती है कंपनी, प्लस आपको टेक्निकल सपोर्ट भी देती है, इन केस कोई अगर इशू आता है आपको ना समझ में आया तो आप कॉल पे भी टीम रहती है, उनसे आप पूछ सकते हैं। ट्रेनिंग भी देती है हर तरीके का, कैश लोडिंग का, फॉर FLM या फिर SLM यानी फर्स्ट लाइन मेंटेनेंस, सेकंड लाइन मेंटेनेंस, ये सब चीज़ें देती हैं। अगर आप ATM लगाना चाहते हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं हमारे दिए गए नंबरों पर। अब ATM जो लगाते हैं फ्रेंचाइजी को 1,10,000 रुपये में, हालांकि वो तो सिक्योरिटी मनी कंपनी जो देती है वो देती ही है, लेकिन यहाँ पर अभी फ्रेंचाइजी को क्या है कि UPS और बैटरी अब पहले के मुकाबले नहीं मिलेगा। अब आपको अपना खुद ही बैटरी और UPS लेना पड़ेगा यहाँ पर, और मैक्सिमम ये जो नॉर्मल जो आप घरों में UPS बैटरी यूज़ करते हैं तो यहाँ पे 220 एम्पियर की बैटरी आती है, वो आप ले करके अपने ATM मशीन के लिए और प्लस इन्वर्टर ले करके आप लगा सकते हैं और उससे लोड दे करके आप चला सकते हैं आराम से। 4 से 6 घंटे का बैकअप भी होता है उसमें। केबिन और ग्लास डोर आपको रेडी करना है, यानी केबिन जैसे रूम होता है ATM का, तो वहाँ पर आपका ग्लास डोर सामने में जो शीशे के ग्लास होते हैं वो 8 से 10 हज़ार रुपये का खर्चा होता है, प्लस आपका केबिन को पेंट कराना है आपको तो 1,000-2,000 पकड़ लीजिए उसको, बिजली कनेक्शन लेकर के 500 रुपये। उसके बाद आपका अगर आप अर्थिंग करा लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो IT ट्रांसफार्मर ले लीजिए, मैक्सिमम 15,000 रुपये में ये चीज़ें हो जाती हैं। तो ये 20,000 और प्लस ये 15,000, 35,000 आपको खुद से अपने से ही लोकल पर्सन को पकड़ करके करना है। अब ये बिजनेस आपके लिए प्रॉफिटेबल है या नहीं है वो आप खुद ही समझ सकते हैं, मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। सपोज दैट आपने अगर ATM लगाया है, पर डे अगर 100 ट्रांजेक्शन होते हैं, अगर 50 ट्रांजेक्शन होगा तो आप इसका जस्ट आधा कर लीजिएगा। मैं 100 ट्रांजेक्शन का एवरेज बता रहा हूं आपको कि अगर 100 ट्रांजेक्शन पर डे होता है तो आपका महीने का 24,000 से 29,000 रुपये महीना ये फिक्स है कि आना ही आना है, ट्रांजेक्शन के ऊपर ही डिपेंड करता है। और फ्रेंचाइजी का जो लॉस है उसमें सिर्फ और सिर्फ 59,000 रुपये जो कि नॉन रिफंडेबल अमाउंट है वो ट्रांसपोर्टेशन के नाम पे कटेगा 1,10,000 रुपये में, और 1 लाख जो 10,000 रुपये दे रहे हैं उसमें से 51,000 रुपये आपको वापस भी मिल जाएगा। और आपका जो ये UPS बैटरी आप लेंगे तो इसको सेकंड हैंड भी मार्केट में आप वापस से बेच सकते हैं, तो ये कम से कम आपको 8 से 10 हज़ार रुपये दे देगा, तो बचा आपका 8,000 रुपये का लॉस यहाँ पे, लेकिन आप इसके बदले आप कई रुपए कमा चुके रहेंगे, तो इसके लिए कोई लॉस की बात ही नहीं हुई। केबिन में ग्लास डोर, अगर शीशे का ग्लास डोर किसी को चाहिए होगा तो आप वो पूरा सेट दे देंगे, तो कम से कम आपका 2 से 3 हज़ार रुपये जो है केवल लॉस होगा यहाँ पर, बाकी आपका बचेगा ही बचेगा। तो अगर मैं कहूँ तो आपका यहाँ पे कोई लॉस नहीं है क्योंकि आप इतना इनकम कर जाएंगे हर महीने,
और जो लॉस है वो 59,000 रुपये है, और कोई ऐसा बिजनेस नहीं है जिसमें आप जो है 2 लाख 3 लाख रुपए लगा करके महीने के आप जो है आसानी से 20 से 25 हज़ार रुपये कमाए। वो भी सिर्फ काम क्या रहेगा कि आपको कैश लोड करना अपने एटीएम में, और लोड करके आप आराम से घर पे रहिए, नेक्स्ट डे आपका फिर काम आएगा कि आपको मशीन में कैश लोड करना है। तो ना तो कोई ऐसी एफडी आपको पैसा देगी, ना ही कोई आपको कोई ऐसा बिजनेस देगा, और ना जो भी आप बिजनेस करेंगे उसमें हेडक बहुत होगा, दौड़ना धूपना बहुत ज्यादा होगा। लेकिन यहाँ पे आपको जरा सा टाइम देना है, बैंक जाना है, बैंक से पैसे लेके आना, लोड करना है। तो हमारा ये मोबाइल नंबर है, अगर आपको लगे कि आपको एटीएम लगवाना हो टाटा इंडिकेस का, तो आप हमें बेशक कॉल करें, किसी भी टाइम मैसेज करें, व्हाट्सअप करें, हम आपको रिप्लाई देंगे। और हम चाहेंगे कि आप जो है एटीएम लगा करके एक बार बिजनेस करें। आप खुद ही नेक्स्ट फ्यूचर में आप जो है एक एटीएम के बजाय आप मुझसे खुद कहेंगे कि 2 से 3 एटीएम हम और लगाना चाहेंगे, जिसका सपोज डेट अगर आप देखें तो 10,000 20,000 अगर एक एटीएम से कमा रहे हैं 20,000, तो 3 4 एटीएम जिसके हैं वो 80,000 या 1 लाख का महीने का आदमी आराम से बन जाता है। और लगाया कितना, 3 चौके 12 लाख रुपये। 12 लाख रुपये में अगर आप हर महीने अगर 1 लाख रुपये कमा रहे हैं, तो ये एक साल में आपका 12 लाख रुपये तो निकल ही जाएगा, आपकी पूंजी भी बची रहेगी पूरी। तो यही प्रॉफिट है इस एटीएम लाइन का, जब तक अपॉर्चुनिटी है आप इसका लाभ उठाएं, मेरा आपसे यही कहना रहेगा। और हमारा जो ये वेंडर कोड आपको पता ही है, हमारा मोबाइल नंबर यही है, और वीसी कोड जो है हमारा ये है, और भरत भारद्वाज के नाम से जो है हमारी एमएफ चल रही है। हम टाटा के चैनल पार्टनर हैं, हमारा काम ही है कि एटीएम जो है एसआईडी कलेक्ट करके हम टाटा को देते रहे। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।